आज की ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी होने वाली है क्योंकि आज मैं इस वीडियो में एक आपको खूबसूरत कहानी के बारे में बताने वाला हूँ। ये खूबसूरत कहानी है बॉलीवुड वालों की। बॉलीवुड वालों की हमेशा से ये सोच रही है कि कैसे देश की जो आर्मी है उसके खिलाफ जनता के अंदर कैसे जहर घोला जाए, और जो हमारा पड़ोसी देश है जो जिसकी जिसका अगर आप मैप देखोगे कुत्ते जैसा है यानी टोमी पाकिस्तान, उसको कैसे ग्लोरीफाई किया जाए, धर्म के प्रति लोगों के अंदर कैसे जहर घोला जाए, एक धर्म के प्रति उनको नास्तिक कैसे बनाया जाए, ये बॉलीवुड वालों का हमेशा से प्रोपोगेंडा रहा है। और आज फिर से अपनी एक नई मूवी यानी गुंजन सक्सेना की मूवी के माध्यम से ये लोग अपनी घटिया सोच को फिर से भारत के अंदर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मूवी के अंदर दिखाया गया है कि कैसे IAF यानी इंडियन एयरफोर्स कैसे बायस्ड है, वो कैसे महिलाओं का सम्मान नहीं करते, और करण जौहर जैसे लोग, मुझे कभी कभी शक होता है कि यार इसका किसी लड़के ने ना दिल तोड़ा है या फिर इसको कोई ढंग का मर्द नहीं मिला, तभी इसको मर्द जात से नफरत हो गई और तभी से ये अपनी मूवी के अंदर हर एक मर्द को गलत दिखाने की इसकी आदत हो गई है। ठीक है, तुम्हें दिखाना है दिखाओ, बट एक लिमिट होती है देश के सम्मान की, देश के आर्मी की, इन सब चीजों की एक लिमिट होती है, बट इस इंसान ने तो वो लिमिट सारी ही पार कर दी। तो ये जो मूवी है कोई ट्रू स्टोरी के ऊपर बेस नहीं, हाँ इतना कह सकते हैं थोड़ी बहुत इंस्पायर्ड है क्योंकि इस मूवी के अंदर इन लोगों ने अपनी घटिया सोच को लोगों के अंदर परोसा है। थोड़ी सी इसकी स्टोरी के बारे में बताना चाहूंगा कि कैसे इन लोगों ने बायोग्राफी के नाम पर लोगों के अंदर झूठ फैलाने की कोशिश की है। गुंजन सक्सेना जिसे प्ले किया जाह्नवी कपूर ने, और क्या एक्टिंग किया यार, कमाल के जो एक्सप्रेशन दिया, यानी रोना आ रहा हो, खुशी हो, गम हो, एक्साइटमेंट हो, गर्व हो, हर एक चीज के ऊपर सेम ही एक्सप्रेशन दिए गए, यानी स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक एक ही एक्सप्रेशन में पूरी मूवी खत्म कर दी। यार इस लड़की को कोई अवार्ड दो इस सेम एक्सप्रेशन के लिए। गुंजन सक्सेना जो पायलट बनना चाहती है, जिसका घर में सिर्फ उसके पिता के अलावा और बाकी सारे के सारे इसके विरोध है, यानी उसका भाई इस चीज का विरोध करता है, उसकी माँ जो है इस चीज का विरोध करती है, लेकिन उसके पिता जो है उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन जैसे तैसे वो पायलट बन जाती है, मतलब इंडियन एयरफोर्स में आ जाती है। देखो मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं, मैं यहाँ पे रियल गुंजन सक्सेना जी के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे एक ऐसे गुंजन सक्सेना के बारे में बात कर रहा हूं जो इन लोगों ने अब एक फेक इमेज जो गुंजन सक्सेना की पेश की है, जो लोगों के अंदर झूठ फैलाया गया है, IAF के खिलाफ लोगों के अंदर जहर घोलने की कोशिश की गई है, उस गुंजन सक्सेना के बारे में बात कर रहा हूं। तो IAF में सिलेक्ट होने के बाद गुंजन सक्सेना को उधमपुर, जब सबसे पहले उनको पोस्टिंग मिलती है तो वहां पर उनको भेजा जाता है, और वहां पर हर एक जवान जो IAF का जवान है वो उसको कैसे डिसरिस्पेक्ट करता है, वुमन की बहुत खुले तौर पे दिखाया गया है, वो उनसे नफरत करते हैं, मतलब गुंजन सक्सेना से नफरत करते हैं और उनकी कोई बात नहीं मानते, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, ये सब इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। अब देखो यार इस मूवी में इतने ज्यादा लूप होल हैं, इतनी ज्यादा फेक चीजें हैं, अगर मैं हर एक चीज को एड्रेस करने बैठूं तो ये वीडियो जो है वो 2 घंटे लंबे बन जाएगी, लेकिन यार इतनी लंबी वीडियो मैं नहीं बनाना चाहता, इसके अंदर हम मेन मेन जो पॉइंट है उसके बारे में बात करें। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा IAF को लेकर, जो इन्होंने घटिया जो इमेज पेश किया है, जब ये मूवी बनाने गए थे, जो इसके मेकर जो मूवी बनाने के लिए IAF के पास गए थे, उन्होंने उनको बताया था कि हम एक ऐसी मूवी बनाना चाहते हैं जो भारतीय महिलाओं को इंस्पायर करेगा कि IAF में जाके ज्वाइन करें, लेकिन जब मूवी बन जाती है तो ये क्या पोर्ट्रेट करते हैं, ये ऐसा दिखाया गया है कि IAF के जो जवान है वो बहुत ज्यादा बायस्ड है, इंडियन एयरफोर्स बहुत ज्यादा बायस्ड है, वो महिलाओं का सम्मान नहीं करती। अरे किस तरीके से तुम इंस्पायर कर रहे हो वुमेन को, और इसको लेके IAF ने इनको एक रिपोर्ट भेजी भी है, भाई तुमने धर्मा प्रोडक्शन को तुम लोगों ने कितना घटिया और कितने गलत तरीके से IAF को रिप्रेजेंट किया है। मैंने रियल गुंजन सक्सेना जी के जो इंटरव्यू पढ़े थे, जब उन्होंने बताया था कि हाँ जब वो पहली बार गई थी उधमपुर में तो वहां पर वो अकेली नहीं गई थी, उनके साथ जो थी श्री विद्या राजन, जो उन्हीं के बैच में जो सिलेक्ट हुए थे 25 महिलाएं, भारत की पहली एयरफोर्स का जो बैच था वो सिलेक्ट हुआ था, और उनके साथ उधमपुर में उनके साथ पोस्टिंग हुई थी श्री विद्या राजन जी की, ये 2 महिलाएं एक साथ गई थी। तो इस मूवी में ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया, इसमें सिर्फ और सिर्फ गुंजन सक्सेना को दिखाया गया। और देखो यार मुझे इस चीज पे शक हो रहा है कि शायद इन लोगों ने श्री विद्या राजन का किरदार इसके अंदर इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि अगर किसी दूसरी लड़की को अगर ले लेते तो कहीं अगर वो ज्यादा अच्छी एक्टिंग कर देती एज कंपेयर टू जाह्नवी कपूर के, तो एक जो स्टार किड है उसकी बेइज्जती हो जाती। दूसरी ये चीज, इनको गुंजन सक्सेना दिखाकर, अकेली दिखाकर ये दिखाना था कि वो बहुत बड़े सुडो फेमिनिस्ट हैं, वो फेमिनिज्म के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, इन लोगों को ये दिखानी थी, और इसके लिए भले ही वो देश की इज्जत दांव पे लगा दें, इंडियन आर्मी इंडियन एयरफोर्स को वो गलत दिखा दें। तो जैसा इस मूवी में दिखाया गया है कि जो गुंजन सक्सेना है जब उधमपुर में जाती है तो वहां पर उसके साथ जो डिसरिस्पेक्ट होती है, तो वहां पर स्टार्टिंग में कोई चेंजिंग रूम नहीं होता, यानी लेडीज के लिए चेंजिंग रूम नहीं होता, लेडीज के लिए टॉयलेट नहीं होते, तो ये रियल फैक्ट है, ये मैंने पढ़ा है, ये जो गुंजन सक्सेना, जो रियल गुंजन सक्सेना, उन्होंने ये बात बोली है कि ऐसा हुआ था। और जो ये इसमें दिखाया गया कि कैसे जो IAF के जो जवान है वो गुंजन सक्सेना के साथ डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे, उनके साथ घुल मिलने की कोशिश नहीं कर रहे थे, ये सब चीजें गलत थी जो उन्होंने बताया अपने इंटरव्यू में। हाँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई थी लेकिन बहुत जल्दी वो उनके साथ घुल मिल गई थी। तो इस मूवी में जो गुंजन सक्सेना दिखाई गई है उसके पास ड्रेस जो चेंज करनी होती है, ड्रेस चेंज करने के लिए वहां पर ड्रेसिंग रूम नहीं है लेडीज के लिए, तो वो कैसे भाग कर जहां पर गवर्नमेंट के द्वारा उसका रूम दिया गया वहां पर जाती है, वहां पर जाके वो ड्रेस चेंज करती है, फिर वो वापस
वापस आती है और इतनी देर में आती है तो जो उसकी ट्रेनिंग होती है वो मिस हो जाती है और उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ऐसे चीजें करके दिखाई गई हैं, लेकिन रियलिटी में जो हुआ था, जो गुंजन सक्सेना जी बताती हैं कि ये दो महिलाएं थी, श्री विद्या राजन जी और गुंजन सक्सेना, ये दो महिलाएं थी जब गुंजन सक्सेना रूम में जाती थी चेंजिंग के लिए, ड्रेस चेंजिंग के लिए, तो बाहर जो वो श्री विद्या राजन इस चीज का ध्यान रखती थी, फिर श्री विद्या राजन जी जाती थी, फिर गुंजन सक्सेना जी उनका ध्यान रखती थी। तो ऐसे उन लोग, उन दोनों महिलाओं ने कोऑपरेट किया एक दूसरे के साथ। तो इस चीज से ये साफ जाहिर होता है कि कैसे इन लोगों ने कितनी गलत इमेज दिखाने की कोशिश की गई है। और अब मुझे कोई ये बता दो कि कैसे ये महिलाओं को इंस्पायर करेंगे, कैसे ये बताएंगे कि भी हाँ आगे IEF में तुम ज्वाइन करो, जबकि खुद गलत इमेज रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोगों के सामने। तो अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो परफॉर्मेंस के मामले में मुझे खुद लगता है कि यार एक ऐसे इंसान को यहां पर कास्ट करना चाहिए था जो भारत को बहुत अच्छे से समझे, भारत की सेना की इज्जत करे। अरे एक भारतीय सेना भारतीय सैनिक होना कितने गर्व की बात है, इस चीज को वो फील करे। और इसके लिए लिया गया जाह्नवी कपूर को, सच में इतनी वाहियात, इतनी घटिया, इतनी डल इस लड़की ने परफॉर्मेंस किया यार, देख के एक्टिंग से नफरत हो जाएगी। एक सीन मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा, जो गुंजन सक्सेना इस मूवी में जो गुंजन सक्सेना दिखाई गई उसके खिलाफ जो मतलब हर कोई उससे नफरत कर रहा है, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, और जो है उसको ट्रेनिंग से बाहर निकाला जा रहा है, उसको फ्लाइट मतलब हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए उसको मौका नहीं दिया जा रहा, ये सब दिखाया गया। इस चीज से वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो गई है। और एक दिन क्या होता है कि रात को वो सो रही होती है और उसी के बगल में एक रूम में जो उसके बाकी ऑफिसर जो कलीग हैं उसके सर हैं जो वो उसके बगल के रूम में गाना चला रखा है और वो नाच रहे हैं। तो इस चीज से वो और ज्यादा इरिटेट होकर रात को उठ के उनके रूम में जाती है और अब इस यहां पर उसको एक लेक्चर झाड़ना होता है, लेक्चर यानी एक ऐसा भाषण देना होता है, ये बताना होता है कि तुम अगर महिलाओं का सम्मान करोगे तो इसमें कुछ घट नहीं जाएगा। तो ऐसा कुछ लेक्चर दिया गया इसके इस मूवी में। और सच में वो लेक्चर जब देखा ना यार, इतना फेक था यार, कसम से। अब एक्सप्रेशन देखना उस चीज में, मतलब अब खुद सोचो कि इस वक्त क्या एक्सप्रेशन होने चाहिए थे, अब इस चीज को इमेजिन करो। लेकिन मैं यहां पर बताना चाहूंगा जाह्नवी कपूर के यहां पे क्या एक्सप्रेशन थे। उनको देखकर लगा है कि उनको जबरदस्ती ये चीज बुलवाई जा रही है, ये डायलॉग बुलवाए जा रहे हैं, उनको नींद आ रही थी, कहा जा रहा था कि भाई तुम प्लीज बोल ले, तेरा करियर का सवाल है, तू बोल ले, जनता को तू थोड़ा भावुक कर ले, आजकल वैसे भी नेपो किड या फिर स्टार किड के खिलाफ लोगों के अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश पैदा हो गया, तू प्लीज बोल ले, फिर तेरी इज्जत में थोड़ा सुधार हो जाएगा, ये सब चीजें शायद कैकर से बुलवाया गया। और अब बात करूं VFX की, इतने वाहियात VFX हैं यार, जो यूट्यूब पे जो यूट्यूबर हैं वो उनसे अच्छे VFX या फिर उनसे अच्छी एडिटिंग करने लग रहे हैं यार, उनको ही हायर कर लेते। और जो इसमें कारगिल की लड़ाई दिखाई गई, और इस कारगिल की लड़ाई में सिर्फ और सिर्फ भारतीय सेना के जवानों को ही शहीद होते हुए दिखाया गया, जो टोमी पाकिस्तान है उसके तो कोई सैनिक थे ही नहीं वहां पर, सैनिक के बजाय आतंकवादी दिखाए गए हैं। वाह यार, इन्होंने तो इतिहास बदलने की कोशिश कर दी। देखो यार, मैंने आज तक कभी अपनी किसी भी वीडियो में ये नहीं कहा कि इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो या फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे लगता है कि यार अगर मेरा काम अच्छा है तो आप लोग ऑटोमेटिकली इस चीज से प्रभावित होकर सब्सक्राइब या लाइक या जो आपके मन में होगा वो आप कर दोगे। लेकिन आज इस वीडियो में आप लोगों से ये जरूर कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को शेयर करो, इन लोगों की सच्चाई बताने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करो। अगर तुम इस वीडियो को शेयर नहीं कर सकते तो अपनी तरफ से एक वीडियो बनाकर लोगों को भेजो और बताओ कि इस मूवी में कितनी घटिया चीजें दिखाई गई है, IEF के खिलाफ कैसे जहर घोलने की कोशिश की गई है, एक गलत इमेज प्रेजेंट करने की कोशिश की है। देखो यार, ये लोग तो झूठ बोलते रहेंगे, लेकिन जब तक तुम अपनी आवाज नहीं उठाओगे, जब तक सच्चाई को बाहर लाने के लिए तुम कोशिश नहीं करोगे, इन लोगों का झूठ जो है वो मार्केट में आता रहेगा। और एक बार जब झूठ बार 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 बोला जाता है तो कहीं ना कहीं किसी के मन में यह स्ट्राइक होने लगती है कि हाँ, ये इंसान सच बोल रहा है। देखो यार, ये रियलिटी की बात है, जब तक तुम अगर अपनी आवाज़ नहीं उठाओगे, देखो मेरी तो जो बनता था कि भी हाँ अगर वीडियो बन रही है तो मुझे ये बोलना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ, इस वीडियो को शेयर करो अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो। अगर नहीं कर सकते, अगर इस चीज़ में भी तुम्हारी कोई अहंकार आ रहा है कि इस इंसान की वीडियो क्यों शेयर करूं, मैं खुद कर सकता हूं, तो वो खुद करो यार। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे कोई प्रमोट करो, मुझे इस चीज़ का कोई क्रेडिट लेने का शौक नहीं है। अगर देश के नाम पर कुछ चीज़ें कर रहा हूं तो मुझे देश के नाम पर ना सब्सक्राइबर, ना लाइक, ना और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो इतना कह रहा हूँ कि खुद अपनी वीडियो बनाकर खुद लोगों को भेज दो, या फिर कहीं पर लोगों को बताओ इस चीज़ के बारे में कि कितनी वाहियात मूवी है, बहुत ज़्यादा झूठ दिखाने की इसके अंदर कोशिश की गई है। और कुछ चीज़ें जो रह गई हैं, जैसे ट्रेनिंग के, जो ट्रेनिंग दी गई थी गुंजन सक्सेना के इस मूवी में दिखाया गया कि कैसे ट्रेनिंग दी जा रही है, और गुंजन जो जाह्नवी कपूर ने जो प्ले किया यार, सच में वो देख कर हंसी आ रही थी। मतलब बिल्कुल भी कष्ट नहीं होने दिया उस लड़की को कि तू बस थोड़ा सा तुझे ऊपर चढ़ना है, ऐसे रस्सी पकड़नी है, तेरी ट्रेनिंग खत्म, इतनी सी ट्रेनिंग दी गई। यार कितने सारे ऐसे चीज़ें रह गई जो मैं बताना चाहता हूँ, बट
छोड़ो यार तुम, बस मैं यही कहना चाहूंगा यार इस मूवी से दूर रहो, ये बहुत बकवास मूवी है। रियल गुंजन सिंघसेना जो 24 साल की उम्र में जहां पर कारगिल युद्ध हो रहा था 1999 के अंदर, वहां पर वो अपनी वीरता का प्रमाण देती हैं, मैं अपने जो सैनिक हैं उनकी सुरक्षा को लेकर वहां पर वो जाती हैं, उनको रेस्क्यू ऑपरेशन करती हैं, दवाइयां पहुंचाती हैं, हथियार पहुंचाती हैं। तो इन सब चीजों को यार आप वो फील करके देखो कितनी बहादुरी का काम था, और इस मूवी ने वो कचरा कर दिया एक तरीके से, अपना प्रोपोगेंडा इस मूवी के अंदर इन्होंने फैलाने की कोशिश की गई है। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 0 out of 10 स्टार। मैं रियल गुंजन सक्सेना जी की बहुत इज्जत करता हूं कि वो भारतीय सेना की पहली महिला थी और उनके साथ श्री विद्या राजन जी थी, इन दोनों ने बहुत मेहनत का काम किया, बहुत बहादुरी का यहाँ पे काम किया। गर्व है इस चीज़ के ऊपर कि भी हाँ भारतीय महिलाएं किसी भी सेक्टर में किसी भी किसी इंसान से कि मतलब किसी भी व्यक्ति से कम नहीं है। बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।